हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है सबके? आई होप सब मज़े में है। तो भाई, मेरे पास ना 3-4 कमेंट आए थे कि पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताओ, पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है जर्मनी में, ये सब बताओ। तो भाई, मैंने सोचा आज बताता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब का सीन क्या है यहाँ पर। और पहले मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पहले मेरे को कुछ पता नहीं था और मैंने पार्ट टाइम जॉब करी भी नहीं हुई थी, तो क्या ही बोलता मैं। तो अब मैंने दो दो जगह पार्ट टाइम जॉब कर रखी है और तो मेरे को थोड़ा बहुत पता लग गया है कि क्या सीन रहता है पार्ट टाइम जॉब वगैरह का। तो आज उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो ना 4-5 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ मैं। पहले पहले तो हम कितने आवर्स अलाउडेड होते हैं ये सब, फिर पे वगैरह और किस टाइप की जॉब होती है और कौन कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी बताऊँगा कि क्या हम पार्ट टाइम जॉब से अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा कर सकते हैं, वो सब उसी टॉपिक में बात करें। तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने आवर्स अलाउडेड है हमें काम करने के लिए, मतलब हम कितने आवर्स काम कर सकते हैं। तो जब मेरे को वीज़ा मिला था ना, मेरे को वीज़ा के नीचे ही एक पेज पे लिखा हुआ था कि 120 फुल डेज़ और 240 हाफ डेज़। इसका मतलब है कि 120 फुल डेज़ का मतलब है अगर मैं 8 आवर्स काम करता हूँ एक दिन के अंदर, तो वो फुल डे में काउंट होता है और उसके मैं 120 डेज़ कर सकता हूँ। अगर मैं फुल टाइम फुल डे कर रहा हूँ ना, तो 120 डेज़ कर सकता हूँ। अगर मैं फोर आवर्स कर रहा हूँ एक दिन में, तो उसके मैं 240 डेज़ कर सकता हूँ। और भाई, दूसरी चीज़ ये है कि एक वीक में हम ना 20 आवर्स काम कर सकते हैं, तो वो भी सेम ही पड़ता है। तो मैं कभी भी ना डेज़ नहीं गिनता कि मैंने कितने डेज़ काम किए, हाफ डे किया, फुल डे किया, ये सब नहीं गिनता मैं देखता हूँ कि मैंने कितने आवर्स काम कर रखा है। तो अगर हम एक नोट में लिख के रखेंगे ना कि हमने कितने आवर्स काम किया, तो वो इजी पड़ता है और कोई भी दिक्कत होने से थोड़ा सेफ़ रहेंगे। तो अब दूसरी चीज़ है कि किस किस टाइप की जॉब होती है जर्मनी में। तो पहली होती है अपनी मिनी जॉब। यहाँ पर ना 4 टाइप की जॉब होती हैं, मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब और वर्किंग स्टूडेंट जॉब। तो मिनी जॉब में क्या सीन है, मिनी जॉब में ना भाई, अगर हम 450 यूरो से कम कर रहे हैं तो हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 450 भी कर रहे हैं ना तब भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं मिनी जॉब। मतलब जितना हम 450 तक अगर हम अर्न कर रहे हैं, तो वो मिनी जॉब हो गई। और पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है, पार्ट टाइम जॉब में ना हमें आर्ली पे मिलता है। मतलब हम 450 से ज़्यादा अर्न करते हैं तो उसमें टैक्स भी कटता है और उसमें आर्ली पे मिलता है। पार्ट टाइम जॉब की लिमिट होती है 20 आवर्स पर वीक, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हम पार्ट टाइम जॉब। और थर्ड होती है फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब का क्या सीन है, जब हमारे सेमेस्टर ब्रेक चल रहा होता है ना, तो हम फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जो होता है 40 आवर्स पर वीक। 40 आवर्स पर वीक हम काम कर सकते हैं अपने सेमेस्टर ब्रेक में, उसको बोलते हैं फुल टाइम जॉब। उसमें भी आर्ली पे मिलता है, उसमें 8 घंटे काम करते हैं हम एक दिन में, तो वो फुल टाइम जॉब हो जाएगी। और एक होता है वर्किंग स्टूडेंट जॉब। वर्किंग स्टूडेंट जॉब का ये मतलब है कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे अपने फील्ड से रिलेटेड, जैसे मैं सीएस स्टूडेंट हूँ, सीएस वाले बच्चों को जैसे कहीं पर जॉब मिल जाती है, तो वो चीज़ ना हम सीवी में भी ऐड कर सकते हैं और उसको उसमें पे भी ज़्यादा होता है थोड़ा सा। तो सबसे बेस्ट जॉब होती है वर्किंग स्टूडेंट जॉब, लेकिन ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि हमें जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, मतलब जॉब की जगह कौन कौन सी होती है। तो कहीं पे भी मिल सकती है, रेस्टोरेंट में मिल सकती है और वेयर हाउसेस में मिल सकती है और फूड डिलीवरी जॉब मिल सकती है, ऐसी इन जगहों पे मिल सकती है। रेस्टोरेंट मैंने रेस्टोरेंट में की हुई है और एक बार वेयर हाउस में भी की हुई है, दोनों एक एक महीने की हुई भाई है। जो छोटी सिटीज़ होती है ना, वहाँ पर फूड डिलीवरी वगैरह तो होता नहीं है, तो वहाँ रेस्टोरेंट होता है और वेयर हाउसेज होते हैं, ये दो ही चीज़ें होती हैं। और मेरी छोटी सिटी है, तो मेरा फूड डिलीवरी वाला है नहीं, तो मैंने अभी आज तक फूड डिलीवरी की नहीं है। पर लेकिन मेरे दोस्त वगैरह हैं बड़ी सिटीज़ में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि फूड डिलीवरी वाली में पे भी ज़्यादा मिलता है और टिप्स वगैरह भी सब मिलती हैं। तो फूड डिलीवरी वाली अगर आप बड़े सिटीज़ में हो तो वो बेस्ट है, मैंने ऐसा सुना है, पर अगर मैं ट्राई करूँगा तो बिल्कुल बताऊँगा। तो इस तरह की जॉब होती हैं, जैसे मैंने बताया वेयर हाउसेज और रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी वगैरह, ये सब तब तरह की जॉब होती है। और अब आ जाते हैं हम पे पे। तो भाई, पे यहाँ पर ना अभी मिनिमम पे है 10 10 यूरो 50 सेंट्स, लेकिन जो अक्टूबर आ रहा है, अब जब ये वीडियो सितंबर में डल रही है, अक्टूबर से 12 यूरो होने वाला है। तो मैं लेके चल रहा हूँ कि 12 यूरो होने वाला है,
अब जितने भी 80, जैसे हमारे 80 आवर्स बनते हैं, अगर हम 20 आवर्स पर वीक का जोड़ें 4 वीक का, तो 80 80 आवर्स बनते हैं। और उसका पूरा सीधा सीधा कैलकुलेट करें तो 12 से इंटू करने के बाद, जैसे मान लो कि अभी 10 है, जैसे मेरे को 10 मिली थी रेस्टोरेंट में, तो 10 को सीधे सीधे इंटू करें तो 800 बनते हैं। उसमें ये थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स काटते थे तो मेरे को 750 के अराउंड मेरे मेरे अकाउंट में आते थे, थोड़ा बहुत टैक्स काटने के बाद। और हम जितना अर्न करते हैं उसी हिसाब से टैक्स कटता है, 10 से 15 के बीच में। तो ये लगा लो कि अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हो यहाँ पर, तो छोटी सिटी में यहाँ पर मिल जाते हैं 800, मिल जाते हैं 800 से 900। लेकिन अगर आप बड़ी सिटी हो, बड़ी सिटी में हो, तो बड़ी सिटीज़ में जैसे बर्लिन हो गया, हैमबर्ग, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, इन सब में अच्छा पे होता है। फ्राइबर्ग में भी अच्छा पे है, जैसे हमें 1 महीने में कम से कम 1100 तो मिल ही जाता है बड़ी सिटीज़ में। छोटी सिटीज़ में 700, 800, 900, 900 भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, 700, 800 ही मिलते हैं, इतना ही मिलता है। तो आपके इतने बन जाते हैं, और मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पर छोटी सिटीज़ में कम होता है तो बच जाते हैं। बड़ी सिटीज़ में वही रेंट ज़्यादा होता है, मान लो यहाँ पर रेंट 300 है तो वहाँ 500 होता है, तो वही बराबर ही पड़ता है। तो इतना हमारे बच जाते हैं, सारा मंथली एक्सपेंसेस यहाँ का बच्चों का होता है। मेरा जैसे 550 समथिंग चला जाता है समटाइम्स, तो उसमें से थोड़े बहुत बच जाते हैं। अगर मैंने 800 अर्न करे हैं तो उसमें से बच के कुछ कुछ इतना पे होता है यहाँ पर। और जैसे अक्टूबर से पे बढ़ने वाला है तो 12 यूरो होने वाला है, 12 यूरो से कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा 80 आवर्स कोई काम करता है तो। मैंने कहीं भी 80 आवर्स, मैंने रेस्टोरेंट में काम किया था तो 80 आवर्स मेरे पूरे नहीं हुए थे, बहुत कम ही हुए थे, फिर भी मेरे को मिल गए थे 600 700 समथिंग। और वेयर हाउस में भी मैंने किया था, वहाँ पर मेरे पूरे नहीं हुए थे, 70 आवर्स समथिंग हुए थे, तो वहाँ पर मुझे मिल गया था 850 समथिंग मेरे को मिल गया था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का पे अच्छा था। मेरे को वेयर हाउस में पे मिला था 1150, और रेस्टोरेंट में मिला था मेरे को 1050 समथिंग, इतना पे मिला था। तो ये सीन रहता है यहाँ का पार्ट टाइम जॉब का। अब दूसरी एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि क्या हम अपनी फीस वगैरह पे कर सकते हैं। तो भाई अगर आप बाडन ब्यूटनबर्ग में हो, जिसमें जिसमें फीस है 1500 यूरोज़, 1600 यूरोज़ ही हो जाती है वो, तो बाडन ब्यूटनबर्ग वाले 1600 यूरोज़ वाली फ़ीस निकल जाती है, एक सेमेस्टर की फ़ीस निकल जाती है अगर आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह सब कुछ कर रहे हो तो। और लेकिन अगर आपकी फ़ीस नहीं है तो आप काफ़ी सेव भी कर सकते हो, और जो मर्जी करना है उन पैसों का करो, मतलब बहुत काफ़ी पैसे हो जाते हैं फिर तो। और लेकिन अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि 1600 तो निकल जाती है आराम से, 3000 तक भी निकल सकती है एक अगर 3000 भी हो तो, पर उसके बाद अगर 3000 से भी ज़्यादा है फिर तो बहुत ही मुश्किल है मतलब। और बाकी मेरे को पता नहीं ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नहीं मेरी, मेरी 1600 यूरोज़ फ़ीस है, वो निकल जाती है आराम से, निकल जाएगी पार्ट टाइम जॉब वगैरह सब भी करें तो। तो बस भाई यही था। और एक और चीज़ है कि अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो निकल जाता है भाई, वो आराम से निकल जाता है, और तुम लिविंग एक्सपेंसेस निकाल के सेव भी कर सकते हो काफ़ी, मतलब लिविंग एक्सपेंसेस निकाल गए तब भी तुम्हारे निकल गए, तब भी अगर छोटी सिटी है ना तो भी तुम 200 300 यूरो सेव कर लोगे, अगर बड़ी सिटी है तो वहाँ पर 100 यूरो 200 यूरो तो सेव कर ही लेते हो, इतना हो ही जाता है आराम से। तो मेरे हिसाब से तो। और एक और क्वेश्चन है कि क्या हमें ढूंढे कैसे पार्ट टाइम जॉब्स को, तो भाई उसके लिए ना मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है यार, उसमें ना मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी करनी है, और उसके बाद मैं उस वीडियो को बनाऊंगा रिसर्च करके और पूछ पाछ के 3 4 लोगों से, तब बनाता हूँ उस वीडियो को। तो इस वीडियो में बस यही रखते हैं कि कितना पे होता है, और कितना क्या कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, कितना काम कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो मेरे को कमेंट कर देना, बिल्कुल रिप्लाई करूँगा मैं, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, अगर कोई एंड तक देख रहा है तो।
अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर वीडियो थोड़ी सी भी ठीक लग रही है तो, क्योंकि आगे और तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली हैं। ओके बाय।